एक्सपोर्ट आप ओपन कर लो। क्या कह रहे हैं बेटा? वो अनलॉक होगा, अनलॉकर से अनलॉक करोगे तो होगा। मैंने लास्ट लास्ट में जो है वो लिंक मैंने कहा था कि मैं शेयर कर दूंगी, और मैंने माइट भी शायद लिंक शेयर किया है या नहीं, देख लूँगी मैं। ठीक है, तुम लोगों की गूगल क्लास पे, वहाँ से अनलॉक करोगे तो फिर तुम्हारे पास चलेगी, कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग होगी। ठीक है, और अगर किसी के पास नहीं है तो फिर वो ऑनलाइन उस पर वर्क कर ले। ठीक है, यहाँ पे फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास कमांड लाइन है, नेक्स्ट है, यहाँ मैं बस नंबर लिख दे रही हूँ ऐसे, नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स में हम बना ले रहे हैं। ठीक है, क्रिएट कराएं, आप लोग भी ऑनलाइन कंपाइलर ऑन कर लो। लास्ट क्लास में मैंने जितना भी जो वर्क करवाया है रिलेटेड, किसी को कोई इशू है तो अभी बता दो। ई नंबरेशन का जो है वो हमारे पास, हम जब बनाते हैं तो वो हम पहले तो ईनम लिखते हैं, ईनम के बाद है हमारे पास जो भी आपको यहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिख दिया है डेज ऑफ वीक, ठीक है, ब्रैकेट बनाया। अब मैं केस के तौर पे लिखती हूँ कि भाई मेरा केस क्या है। ठीक है, हमारे डेज जब से भी स्टार्ट होते हैं हम यहाँ लिख देते हैं संडे। ठीक है, लाइन एंटर कर करके संडे मंडे जो भी आपको यहाँ डे लिखना है। लेट सपोज मैं कह देती हूँ ये संडे से नहीं स्टार्ट करा रही, मैं मंडे से स्टार्ट करा रही हूँ। केस हमारे पास मंडे, और ये डेज ऑफ वीक नहीं है, वर्किंग डेज है। ठीक है, इसका नाम मैं चेंज कर दे रही हूँ। ठीक है, वर्किंग डेज में हमारे पास है मंडे। अच्छा, विंडो सी से कॉपी होता है और विंडो वी से ही पेस्ट होता है, बात समझ में आई ये बात? विंडो की जो है वो यूज़ होती है इसमें, वो यूज़ नहीं होता आपका, क्या कहते हैं, कंट्रोल। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने कहा जो मेरे वर्किंग डेज हैं वो हैं ही चार, बात समझ में आई? अब मेरे पास जो डेज हैं वो मेरे पास क्या है, फोर वर्किंग डेज हैं। ठीक है, अब मुझे जब इसको इस्तेमाल करना है या मुझे इसको कहीं लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी? नीचे आप जब प्रिंट कराओगे इस तरह, आपने इसका नाम लिखा वर्किंग डेज, जब मैं डॉट करूंगी ना मेरे पास ये खुद ही आना शुरू हो जाएगा। सही है, इसका मतलब है कि मैं यही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ, बात समझ में आई? बात समझ में आई? जैसे मुझे ये लिखना है तो मैंने ये सिलेक्ट करा, अब मैं इसको प्ले करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले आ गया मंडे। अब ये तो डायरेक्टली मेरा डिस्प्ले आ रहा है मंडे, अब मुझे अगर अपनी मर्जी से कुछ लिखना है, लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि मंडे पे मेरे पास ये लिखा हुआ है,
या मैं कोई ग्रीटिंग या मैसेज इस तरह का देना चाहती हूँ, तो वो मैं अपनी मर्जी से कैसे चलाऊंगी और मैं किस तरीके से उसके ऊपर काम करूंगी। बात समझ में आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है ना, आप लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह माइक है, ठीक है ना, तो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने के लिए। सही है, ये तो मैंने आपको इनमरेशन बना दिया। अब मैं दूसरा इनमरेशन बता रही हूँ जो हमारा अलग तरीके का है, ठीक है। अब मैं इसमें जो है वो नाम रख रही हूँ ग्रीटिंग्स, ठीक है, ग्रीटिंग्स है। बात समझ में आ रही है? केस है हमारा बर्थडे, ठीक है। अभी ये तुम सिर्फ देखो, ठीक है, सही है। अभी मेरे पास कितने बने हुए? ये तीन बने हुए। अब मुझे इन तीन के ऊपर कोई भी ग्रेटिंग या कुछ भी मुझे अगर करना है, मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरे ये तीन बने हुए हैं और मुझे इसके ऊपर वर्क करना है, या मुझे इसके ऊपर चीज़ें असाइन करनी है। क्या करनी है मुझे इनके ऊपर? चीज़ें असाइन करनी है। फंक्शंस भी बनाते हैं आप इनके, इनकी मल्टीपल चीज़ें भी बना लेते हैं, ठीक है। इसको सेपरेट करके भी बना सकते हो और अलग तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। एक तो मैंने इसका ये बनाया है, और लास्ट क्लास में मैंने जो आया वो आपका बुक का कुछ अलग बताया था, वेरिएबल, ठीक है। मैसेज, ठीक है, इस इक्वल्स टू, अब मैं कह रही हूँ ग्रीटिंग्स में से मुझे जो भी निकालना है वो मेरे पास है डॉट, लेट सपोज बर्थडे, ठीक है। और मैसेज मेरे पास बराबर है डॉट बर्थडे, सही है, इस इक्वल्स टू, मैंने यहाँ दे दिया डॉट बर्थडे। स्विच केस लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, केस डॉट, एक मिनट ब्रैकेट लगा दूँ मैं, डॉट हमारे पास है बर्थडे, जैसे हमारे पास स्विच केस लगता है और हमारे पास जैसे चीज़ें चलती हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से। आपने यहाँ पे लगा दिया प्रिंट, ठीक है, और यहाँ हमारा मैसेज आ गया। सही है, इस तरह, तीन है तो हमारे पास ये तीन बनेंगे और एक हमारा जो है वो लास्ट में डिफॉल्ट बनेगा। ठीक है, ईद है तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपको मैसेज वगैरह देना है उस तरह, डिफॉल्ट में आप कुछ भी प्रिंट करा लो। नो इवेंट कुछ भी मैंने लिख दिया, सही है, आपकी अपनी मर्जी, सही है।
ये इस तरह हो गया। अब ये जो है वो चेक करेगा, मैंने ये चीज़ बनाई है, स्विच केस बनाया हुआ है। अब ये मेरे पास चेक करेगा कि मैंने ये वाला इसको ये असाइन किया। स्विच केस में देखेगा जो भी होगा, ये जो है वो उस चीज़ को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि मुझे मैसेज प्रिंट कराना है, बेसिकली मुझे क्या कराना है, अपना कोई मैसेज जो है वो प्रिंट कराना है या मुझे डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है ना प्रिंट है, तो अब आप यहाँ आ जाओ, इसको प्ले करो। अच्छा, डिफॉल्ट इज नेवर बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। ये वैसे एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर इसको डिफॉल्ट को हटाना भी है तो आप यहाँ पे हटा सकते हो, ठीक है। मसला ही अब ये नहीं है, अब मैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी ना तो मेरा ये उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर इसको हटा देती हूँ, डॉट को, बर्थडे हटा देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि भाई मेरे पास अब जो है वो क्या है, ईद का है, तो जो मेरा नीचे स्विच केस दिया हुआ है ना, ठीक है, वो मेरा ये चलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? सेंटर में होगा, मिस फरिया ने क्लियर लिखा है मैसेज पे रिदा, ठीक है। ये बैठ के करो, मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये है, कंटिन्यू करो।
का आप देखो तो ये वाला जो है वो यहाँ पे 10 मिनट में मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, वापस कनेक्ट होना है। देख सकती हूँ ये यहाँ पे बेटा ये फिनिश है, ठीक है। और इसी तरीके से आईडी सेंड कर दो विंडोज की, और ये वाला हमारे पास यहाँ पे ये ख़त्म है, ठीक है। आप ये कंप्लीट करो, मुझे एक और ईनम की ही एग्जांपल करानी है जिसमें हमारे पास जैसे स्टूडेंट का डाटा होता है ना, जिसमें मार्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, उस तरह का काम कराना है, ठीक है। तो ये क्विकली करो ताकि फिर मैं इसी के नीचे जो है वो कंटिन्यू कर सकूँ। और ये ईनम है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब इसमें केस है नेम का, ठीक है, कि भाई ये स्टूडेंट का जो है वो नाम हो सकता है, समझ में आ रही है बात। अब लेकिन ये जो नेम होगी इसके ना कोई पैरामीटर पास होगा, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। अब उसके मार्क्स होंगे सब्जेक्ट, अब तीन सब्जेक्ट ले लेते हैं या चार ले लो, जो भी ले लो, जो भी मार्क्स होंगे वो इंटीजर में होंगे, सही है। तो मैंने यहाँ चार सब्जेक्ट्स ले लिए। इसी तरीके से उसका केस है, एक और है बैच है, बैच भी उसका स्ट्रिंग में आएगा, तो मैंने यहाँ पे ये डिफाइन करा है, सही है। और केस ईमेल ले लो, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब मैं यहाँ वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है। वेरिएबल है मेरे पास STD डेटा, ठीक है। अब उसकी जो भी चीज़ें मुझे बनानी है सबका मैं अलग अलग वेरिएबल बनाऊंगी। स्टूडेंट डॉट, ठीक है, मैंने कहा नेम, अब यहाँ मुझे नाम देना है, और नाम मैंने यहाँ पे कोई सा भी दे दिया। ठीक है, इस तरह डेटा ना लिखो, उसका नेम लिख लो, स्टूडेंट नेम हो गया, इसके मार्क्स हो गए, ठीक है, डॉट यहाँ आ जाओ मार्क्स में, ठीक है। मार्क्स में अब हमें जो भी मार्क्स पास करेंगे, पहले सब्जेक्ट में लेट सपोज मैंने दे दिए 90, दूसरे में हमने दे दिए यहाँ पे 70, तीसरे में हमने यहाँ पे दे दिए 86, ठीक है, और चौथे में हमने यहाँ पे दे 73 या 72 दे दो, सही है। इसी तरह इसके अलग अलग वेरिएबल बनते जाएंगे, सही। डॉट बैच ठीक है, कुछ भी आपने यहाँ पे अपने यहाँ पे साइन कर दिया, ठीक है। अब इसकी ईमेल हो गई,
ठीक है, इस तरह इमेज बनी। अब हमें इसके नीचे ना इसका स्विच केस लेना है, ठीक है, कि ये जब जब मैच करेगा स्विच केस में तो क्या होगा। बात समझ में आई? स्विच केस बनाएंगे, अभी हम किस वेरिएबल को चेक करें उसके लिए। केस अब मेरे पास आना शुरू हो गया है, डॉट नेम नाम है तो हम यहाँ ले लेंगे लेट एसटीडी नेम, इस तरह कॉलन लगाएंगे और फ्रेंड स्टूडेंट नेम इज कॉलन स्लैश एसटीडी नेम जो हमने यहाँ पे ये लिया है। मार्क्स का होगा, ठीक है, हमारे पास चार पैरामीटर है तो हमने यहाँ पे M1 लेट M2 लेट M3 लेट M4, ठीक है। अच्छा, प्रिंट वाली लाइन में जरा नीचे लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद है स्टूडेंट मार्क्स आर आर आप सब्जेक्ट वाइज देना है तो आप सब्जेक्ट वाइज लिख सकते हो HTML, ठीक है, HTML के कितने आप इस तरह दे सकते हो स्लैश M1, फिर आप यहाँ पे कॉमा दे दो, फिर यहाँ लगा दो SQL, ठीक है, M2, इस तरह सही। ये सारा फिर पैटर्न आपने ना डिफाइन करना है, ठीक है, वरना आप डायरेक्टली आर करके दे दो, सिर्फ इस तरह दे दो M1 M2। अभी शॉर्ट में दे रही हूँ, मैंने आपको दिखा दिया है कि आप इस तरह दे सकते हो। अच्छा, सही है ये। अभी फिलहाल मैंने इतना रखा है, बाकी भी मैंने बैच बैच का नहीं दिया,
अच्छा वो डिफ़ॉल्ट भी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट भी ऐड कर, क्योंकि बाकी दो हमने की नहीं है। अच्छा मैं अभी बाकी दो ना कमेंट करें। अच्छा डिफ़ॉल्ट चाहिए इसको। ठीक है डिफ़ॉल्ट में मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रही। ठीक है स्टूडेंट मार्क्स आर ये आ रहे, क्योंकि मैंने अभी जो चेक कराया वो स्टूडेंट मार्क्स है, मार्क्स चेक कराया। अगर मैं यहाँ पे नेम चेक कराती, ठीक है तो ये इस तरह आता। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई इशू है? अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं, लेट सपोज हम नाम से देख रहे हैं ना, ये वाली जो वैल्यू है ना इसमें जो मैं चेंज बता रही हूँ, केस स्विच केस का जो दूसरा तरीकेकार होता है, यहाँ पे आप कॉमा लगा के ये पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें होता ये है, ये बेसिकली था मल्टीपल वैल्यू के लिए से एक्सेप्ट कर रहा है, मैं चेक नेम ही कर रही हूँ, लेकिन ऊपर भी डिक्लेयर हुआ हुआ है ठीक है और नीचे भी। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये एक साथ नहीं पास हो रहा ना, स्टूडेंट नेम में पास नहीं हो रहा ना। सही वैल्यूज में फिर ये फर्क करें। इसको अभी खैर वैसे ही रहने दो, ठीक है ऐसे ही काफी है। नाम लिखना होगा नाम लिख लेंगे, लिख लेंगे, और अगर आपको वैसे कॉल कराना है तो वैसे कॉल का कॉल हो जाएगा। ठीक है नेम है तो नेम से कॉल होगा, ईमेल है तो ईमेल से कॉल होगा, बैच होगा तो फिर बैच से कॉल करोगे, जो आप चेक करोगे वही आपके पास आएगा। सही है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? आवाज आ रही है यहाँ तक भाई, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है इसको यहाँ तक करो।